गुण वैभव शाली त्रिभुवन विख्याता ओम जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे तेरी अवलंबा कृपा
करौ जय जय जगदम्बा मधु कैटभ ज्योति बलवाना पाहु युद्ध विष्णु सेठाना समर हजार पाँच में घोरा फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा मातु सहाय कीन्ह तेहि काला बुद्धि विपरीत भई खलहाला तेहि ते मृत्यु भई खल केरी पूर्वहु मातु मनोरथ मेरी चंड मुंड जो थे विख्याता शनमहु संहारे उन माता बीज से समरथ पापी सुर मुन हृदय धरा सब कापी काटे उसर जिम कदली खंबा बार बार बिनवौ जगदम्बा जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा क्षण में बांधे ताहि तु अम्बा भरत मातु बुद्धि फेरे उजाई रामचंद्र बनवास कराई एही विधि रावण वध तू कीन्हा सुन नर मुनि सब को सुख दीन्हा को समरथ तब यश गुण गाना निगमाना दि अनंत बखाना विष्णु रुद्र जस कही नन मारी जिनकी हो तुम रक्षाकारी रक्त दंतिका और शताक्षी नाम अपार है दानव भक्षी दुर्गम काज धरा पर कीन्हा दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा दुर्ग आदि हरनी तो माता कृपा करहु जब जब सुख दाता नृप को पित को मारन चाहे कानन में घेरे मृग नाहे सागर मध्य पोत के भंजे अति तूफान नहीं को संगे भूत प्रेत बाधाया दुख में हो दरिद्र अथवा संकट में नाम जपे मंगल सब होई संशय इसमें करे न कोई पुत्रहीन जो आतुर भाई सब छोड़ पूजे ही भाई करे पाठ नित यह चालीसा होय पुत्र सुंदर गुण ईशा रूपादिक ने वेग चढ़ावे संकट रहित अवश्य हो जावे भक्ति मातु की करे हमेशा निकट न आवे ताहि कलेशा बंदी पाठ करे सतबारा बंदी पाश दूर हो सारा सागर बंध हेतु भवानी कीजे कृपा दास निज जानी मातु सूर्य कांत तव अंधकार मम रूप डूबन से रक्षा करहूं परूं मंत्र नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्व
नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जीवागे सर्वविद्या प्रदा भव नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जीवागे सर्वविद्या प्रदा भव नमस्ते शारदे
उत्तिष्ठो तिष्ठ हे वाणी उत्तिष्ठ हंसिनी ध्वजे उत्तिष्ठ ब्रह्मणो राज्ञी त्रैलोक्यं मंगलं कुरु उत्तिष्ठो तिष्ठ हे वाणी उत्तिष्ठ हंसिनी ध्वजे उत्तिष्ठ ब्रह्मणो राज्ञी त्रैलोक्यं मंगलं कुरु जाग्रही त्वं महादेवी जाग्रही त्वं सरस्वती जाग्रही त्वं चतुर्वेदी लोकरक्षा विधिं कुरु लोका सर्वे शुचाम्भोगौ निमग्नस्थान समुद्धर त्वमेवैका स्वयं वक्ता समर्थासि कता भव श्रीवाणी सर्वजगतां जननी प्रमोद जिह्वाग्रवासिनी मनोहरि वेगसरस्त्वं वाञ्छप्रदायिनी समाश्रित भक्तकोटि श्रीपद्मजातदयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमखिलार्थदायिनी कमनीयगात्रिकरुणान्तरङ्गिणी कमलायताक्षि वदनेन्दुमण्डले परमेष्ठि देवि सुरसुन्दरी सुते श्रीव्यासपूजितपदाम्बुजकोमलाङ्गी कार्तस्वराञ्चित विशेष विभूषिताङ्गी प्रालेयमौक्तिक शशाङ्क सुशोभिताङ्गी श्रीवाणी वासरपुरे तव सुप्रभातम् श्रीगौतमी तट समीकृत सैकतेन व्यासेन सेचन समाहित श्रीकरैश्च श्री षोडशी मनुजसेन निरूपितात्वं श्रीवाणी वासरपुरे तव सुप्रभातम् वल्लित्रयान्तरसुचक्रसमर्चनेन श्रीमन्त्रवाग्भवसमुच्चयकूटदेशे व्यक्तासि रक्षितुमितः स्वयमेव देवी श्रीवाणी वासरपुरे तव सुप्रभातम् श्रीमन्त्रराजतनुबीजविराजमाना ओंकार तत्व विशदाय गृहीत मूर्तिं त्वां पंडिता भुवि भजन्ति सरस्वती इति श्रीवाणी वासरपुरे तव सुप्रभातम् ओंकार पंचर शुकीं निगमांत वेद्यां ह्रीं मातृका वरण श्रीं युत ब्लूं च सौरें क्लीं शौच शेङ्गत दशाक्षर देवि वन्दे श्रीवाणी वासरपुरे तव सुप्रभातम् संसारतारक महामनुबीजवर्णा मायामयीं गुणमयीं सगुणोद्भवां त्वां शक्तित्रयात्मक चितीति जपन्ति बोद्धा श्रीवाणी वासरपुरे तव सुप्रभातम् सौन्दर्यवारधितरङ्गपरम्परायां वेलानिरूपकमनोहरदेहदीपे सर्वोपमाननिचयस्य समोपमेय श्रीवाणी वासरपुरे तव सुप्रभातम् सङ्गीतवाङ्मयकलाप्तसुहासनेत्री रागैश्च षोडशसहस्रविधैश्च गीते आनन्ददायकरसैर्खनिभिश्च पूर्णे श्रीवाणी वासरपुरे तव सुप्रभातम्
ಸೌಭಾಗ್ಯದೆ ತ್ವಮಿಹ ವಿದ್ರುಮವರ್ಣಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೆ ತ್ವಮಿಹ ಧೌತಸುಧಾಂಶುವಾಣಿ ಶತ್ರುಜ್ಞಯೇ ತ್ವಮಿಹ ನೀಲತಮಾಲಕಾಳಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಮಂದಿರ ವಿಹಾರಿಣಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಕಾಸುಧಾಕರ ಶಿರೋಮಣಿ ನೀಲವೇಣಿ ರಾಜೀವಲೋಚನ ಶಿರೀಷ ಸುಮಾಗ್ರನಾಸೇ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಕೌಮಾರಶೈಲಶಿಖರೇ ಸುಖವಾಸಯೋಗೇ ಸೂರ್ಯೇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಪುತ್ರ ಗಣೇಶ ಮೋಖ್ಯೈ ವಾಸಿಷ್ಠ ವಾರುಣಿ ವರೈಶ್ಚ ಸುಪೂತತೀರ್ಥೇ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಅಷ್ಟಾಬ್ಜಪುಂಜಿತ ವಿಶೇಷ ವಯೋ ವಿಲಾಸೇ ಬಿಂಬಾಧರಾಂಚಿತ ಸುಹಾಸ ವಿಲಾಸ ರೇಖೆ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರಿತ ಹಿಗಂಗ್ಯಲ ರಮ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಔದುಂಬರಾಖ್ಯತರುಮೂಲ ಪವಿತ್ರ ದೇಶಿ ದತ್ತಾವಧೂತಯತಿರತ್ರ ಗೃಹೀತ ದೀಕ್ಷ ಜಪ್ತ್ವಾ ತ್ವದೀಯ ಶುಭ ನಾಮ ಬಭೂವ ಸೇದ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷರಣಿತನ ವಾರ್ಕ ಮರೀಚಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಹೃಷ್ಯಾಂ ಸಂಭಾವಯಂತಿ ಚ ವಿರಜ್ಯ ಸರಸ್ವತೀಹ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ತವಾಚಕ ಸುಧೀಶ್ಚ ಮುಖಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀಖಂಡಚೂರ್ಣ ಹರಿತಾಲ ಸುಗಂಧತೀರ್ಥೈಃ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯೇ ರಚನಾಂ ಕರೋತಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಂಗಿತ ಮನೋಹರ ನಾದಯುಕ್ತೈಃ ಪ್ರಭಾತ ಕಾಲಿಕ ಸುನಾದ ವಿನೋದರಾಗೈಃ ಗಾಯಂತಿ ಕೋಕಿಲ ಮಯೂರ ಮರಾಲ ಚಕ್ರ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ನಿಯಮಾನುಸರೇಣ ಭಕ್ತಾಃ ಗತ್ವಾ ಪುರೇ ಭವತಿ ದೇಹಿ ಘೃಣಾಕ್ಷ ಭೇಕ್ಷಂ ಯಾಚಂತಿ ತಾನಿತಿ ಗೃಹಸ್ಥ ತದಾತ್ಮರೂಪಾನ್ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಯೋಗೀಶ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ರಾಜಹಂಸಿ ಭಕ್ತಾಲಿ ಮಾನಸ ಸರೋಜ ವಿಹಾರ ಭೃಂಗಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಷೋಡಶ ಮಹಾಮನು ಬೀಜವಾಸೇ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕೇ ವಿವಿಧ ವಸ್ತು ವಿವೇಕರೂಪೇ ಇಚ್ಛಾತ್ಮಿಕೇ ಭಗವದಾತ್ಮ ಸಮಾನ ರೂಪೇ ಯಂತಾತ್ಮಿಕೇ ಪರಮಧಾಮ ಸಮಾತ ರೂಪೇ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಶಿಂಜಾನ ಕಂಕಣ ನಿನಾದ ವಿನೋದ ಪಾಣಿ ವೀಣಾಭಿವಾದನ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪೂರ್ಣ ರಾಗೆ ವಿನ್ಯಸ್ತ ಹಸ್ತ ಭ್ರಿಕುಟೀ ಚುಬುಕಾಕ್ಷಿ ವಾತ್ಸಿ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಾಸರಪುರೇ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಕೂಜಂತಿ ದೇವಿ ಚರಣಾಯುಗ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಘಾ
गायन्ति देवि तव मागधवन्दि वृन्दाः अर्चन्ति देवि भुवि वैदिकाव्यशेष्या श्रीवाणी वासरपुरे तव सुप्रभातम् दिव्यापगा विकसिता च सुवर्णपुष्पाः हस्ताश्च मन्त्रपठनानुरणेन देवाः तिष्ठन्ति देवि तव मन्दिरमुख्यमार्गे श्रीवाणि वासरपुरे तव सुप्रभातम् दिक्पालकाश्च तव पीठककोणदेशे श्रीचक्रमन्दिरनवावरणेषु देवाः स्थित्वा च मङ्गलपुरश्चरणं पठन्ति श्रीवाणि वासरपुरे तव सुप्रभातम् इत्थं सरस्वति कृतं चिन वेङ्कनेन वेदान्तमन्त्रजपपाठविधानपूर्वम् पारायणेन च पवित्रचरित्रगानम् पुण्यावहं सकलमङ्गल सुप्रभातम् इति श्रीवासरसरस्वती सुप्रभातम् समाप्तम्।
सिर पे छा जे नू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सिर पे छा जे मन से हमारे मिटा दे अंधेरा हमको उजालों का परिवार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ ¡Gracias!
Thank you.
शुभ्रवस्त्रावृता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृतिभिः देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। वाणी तथा विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हिंदू धर्म के प्रमुख देवियों में से एक हैं। इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी को इनकी पूजा की परिपाटी चली आ रही है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों,
खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। शत्रुपा माँ सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वागदेवी आदि नामों से पूजा जाता है। माँ सरस्वती साहित्य, संगीत, कला की देवी है, जिसमें विचारणा, भावना एवं संवेदना का त्रिविध समन्वय है। कहते हैं, दिन के आठों पहर में एक बार प्रत्येक मानव की वाणी में सरस्वती अवश्य ही प्रकट होती है, लेकिन संसार में लिप्त मानव बुद्धि उसे समझ ही नहीं पाती। कई बार अनुभव तो सबको होता है कि किसी ने कुछ कहा और वह सच हो गया, पर इस क्षमता को पूर्णता देना, ताकि वाणी में सदा ही कमलासना का वास रहे, यह केवल कस्तूरी युक्त माँ सरस्वती की सतत साधना व आराधना से ही संभव है। इनका वाहन हंस है। हंस की विशेषता है कि अगर दूध और पानी मिला हो और वह उसे अपनी चोंच में लेकर उलीचता है, तो उसकी दरांतीदार चोंच की एक ओर से एकदम स्वच्छ पवित्र पानी निकलता है और दूसरी ओर से एकदम शुद्ध दूध। इसे ही नीर शीर विवेक कहते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान के फैलाव से सार तत्व निकाल ले, हंस की तरह मोती चुग ले। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा है, जिसके सात तार हैं, जो सात संस्कृतियों के सौंदर्यपूर्ण विकास का प्रतीक है। यह सात संस्कृति संहिताएं हैं: शरीर आचार संहिता, आहार संहिता, मानव संहिता, कर्म संहिता, मस्तिष्क बोधि विचार संहिता, आध्यात्मिक ज्ञान संहिता, आत्म संहिता, संस्कृति आदि। संहिता का मतलब होता है वेद और पुराणों का सारांश। माँ सरस्वती की आराधना से मनुष्य ये सात प्रकार की संहिताएं, यानी कि वीणा के सात सुरों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। जिसने ये सातों सुर साध लिए, उसे वीणा के दोनों ओर बने गोल तुम्बे भवसागर में डूबने नहीं देंगे। शुभ्र वसना सर्वेश्वरी माँ के हाथ में कलम, सत्य को लिपिबद्ध कर युग युगांतर तक अमर करने का सूचक है। माँ सरस्वती का प्रिय भोजन पांचों मगज, बंसलोचन मिश्री, मेवे, इलायची, कमल ककड़ी, मखाने आदि है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुष्ट कर बनाते हैं। धवल वस्त्र प्रतीक है शुचिता का। सफेद साड़ी लाल किनारी वाली प्रतीक है पवित्रता के साथ साथ संवेदनाओं व उमंगों से भी जीवन कलात्मक होकर सदा वसंतमय हो। तुलसी माला भक्ति व साधना में निरंतरता व दृढ़ता का प्रतीक है। हाथ में वेद ग्रंथ प्रतीक है ऐसी कलाओं और विद्याओं का, जिनसे अनमोल भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध हो और वह कभी लुप्त न हो, विनष्ट न हो। भौतिक प्रगति का श्रेय बुद्धि वर्चस्व को दिया जाता है और उसे सरस्वती का अनुग्रह माना जाता है, क्योंकि इस उपलब्धि के बिना मनुष्य को नर वानरों की तरह वनमानुष जैसा जीवन बिताना पड़ता। शिक्षा की गरिमा तथा बौद्धिक विकास की आवश्यकता जन जन को समझाने के लिए सरस्वती पूजा की परंपरा है।